हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको लेके आए लक्ष्मी विला पैलेस पे, जो कि मेन वडोदरा सिटी पे है और ये वडोदरा रेलवे स्टेशन से लगभग 3-4 किलोमीटर है। हम अभी जस्ट पहुँचे ही है और ये 1890 में बन चुका था। इसको बनाया था महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने, जो कि एक शाही मराठा परिवार थे और इन्होंने वडोदरा पे काफ़ी समय तक शासन भी किया। ऐसा माना जाता है कि वडोदरा की आधी ज़मीन अभी भी इन्हीं के नाम पे है और इनकी फैमिली भी रहती है, जो इनकी पीढ़ी चलती है आगे गायकवाड़ की। और इसलिए भी खास है दोस्तों, 1890 से इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी। 1890 में यहाँ पे जब ये कंस्ट्रक्टेड हुआ था तो इसके अंदर एलिवेटर की सुविधा थी और इसका इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत है। आपको दिखाते हैं, लगभग ये बर्किंगहम पैलेस के 4 गुना ज़्यादा बड़ा है इसका जो एरिया है, वो बताते हैं 700 एकड़ ज़मीन पे, और इसके अंदर पे गोल्फ कोर्स वगैरह सब कुछ है। तो इस खूबसूरत से नज़ारे को आपको दिखाते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ और फ्रेंड से भी मिलाऊँगा आपको। चलो दोस्तों, चलते हैं फिर। तो दोस्तों, अंदर जाते समय ये लेफ्ट साइड पे पड़ता है टिकट काउंटर, यहाँ से हम टिकट लेंगे और आपको दिखा देंगे यहाँ के क्या गाइडलाइंस है और टिकट क्या है, इसका रेट क्या है, प्राइस क्या है। और टिकट काउंटर वालों ने हमको बताया कि जो ऑडियो गाइड है वो इसी में इंक्लूड है, टिकट में इंक्लूड है, जो कि हमें पैलेस के अंदर जाते ही हमें मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं पैलेस के अंदर। एंट्रेंस कर चुके हैं, एंट्रेंस पे अंदर आते हमें ये मिला ऑडियो गाइड, जो कि आपको कई सारे लैंग्वेज में मिल जाएगा, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, हिंदी, हमने तो हिंदी वाला लिया। और ये इसके एंट्रेंस के बाद का सीन है अंदर का, बाकी ये सराउंडिंग एरिया है। सराउंडिंग एरिया में चारों ओर गोल्फ कोर्सेज है और यहाँ पे पहले से बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी चलती थी, जैसे 1982 में जो प्रेम रोग बनी थी उसकी शूटिंग भी यहाँ हुई है। और आप सरदार गब्बर सिंह जो साउथ की मूवी है वो भी, इवन जो आपने देखी थी ग्रैंड मस्ती, वो भी यहाँ पे शूटिंग हुई है। तो दोस्तों, ये लक्ष्मी विला पैलेस है और इसको बनाया था 1890 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा, और इसको बनाने में लगभग 12 साल लगे, क्योंकि इसको जब स्टार्ट किया था 1878 में स्टार्ट किया था और 1890 में यह कंप्लीट हुआ। और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जाने माने एक मराठा शासक थे, जो कि वडोदरा में रहते थे और लगभग पूरे वडोदरा में राज करते थे, काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने यहाँ काफ़ी सुधार किए आर्थिक, सामाजिक, और यहाँ तक कि इन्होंने बाल विवाह, छुआछूत और प्राथमिक शिक्षा जैसे कई पहलुओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिस वजह से प्राचीन काल से ही यहाँ के लोग इन्हें बहुत सम्मान देते हैं। लगभग 500 से 700 एकड़ एरिया में फैला हुआ यह महल अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस है, जो कि बर्किंगहम पैलेस के लगभग 4 गुना बड़ा है। 1878 में जब इसको बनाया गया था, जब स्टार्ट किया था इसका काम, और 1890 में कंप्लीट होने तक जिसमें लागत लगी थी लगभग उस समय 1,80,000 पाउंड, करीबन 27 लाख लगभग लागत लगी इस पे। लेकिन जो आजकल प्रेजेंट टाइम पे इसका करंट वैल्यू है वो 24,000 करोड़ बताई जाती है। पैलेस का जो ये संपूर्ण एरिया है, इसके अंदर मोती बाग और फतेह सिंह म्यूजियम और गोल्फ कोर्स सारे इसके अंदर ही आते हैं। इसके सराउंडिंग में तो गोल्फ कोर्सेज हैं और बाकी जो म्यूजियम है वो गेट नंबर अलग, मतलब दूसरे गेट से उसका एंट्रेंस, हालांकि इसके अंदर ही आता है वो। आ जाता है कि जो ये फतेह सिंह म्यूजियम जो बनवाया गया था, ये प्राचीन समय में इनके बच्चों के लिए स्कूल के तौर पे बनाया गया था, जो कि आजकल म्यूजियम बनाया। और खास बात यह है कि अगर बात की जाए इसके बनावट की, इसके डिज़ाइन की, तो
इसको दिया था फर्स्ट में मेजर चार्ल्स मेंट ने। लेकिन दोस्तों जब लगभग पैलेस का जो फाउंडेशन जब स्टार्ट हो गया था तो इनको कहा जाता है कि इनको एक बुरा सपना आया था जिसमें इन्होंने देखा था कि इनकी कुछ कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई थी जिसकी वजह से पैलेस कभी गिरने वाला था या गिर जाता, तो इन्होंने इसी डर से सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। और मेंट के सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद जिसको कंप्लीट किया वो क्या था, रॉबर्ट चिशम ने, जो कि ब्रिटिश एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, और बाद में इन्हीं के द्वारा इस पैलेस को पूरा कंप्लीट किया गया। ये ठीक पीछे पे महल है और ये सराउंडिंग एरिया पे देखो आप गोल्फ कोर्स है, ये छोटा सा वाटर पार्क। दोस्तों अभी हम लक्ष्मी विला पैलेस विजिट करके आ गए, मैं अपने दोस्त के साथ आया था, ये जयदीप, दीपक कोठारी, हरचंद मेरे साथ पिछले वीडियो में भी था, और एक किशोर प्यार से भोली बोलते हैं, और ये हमारे दोस्त नील कमल, और बिहाइंड द कैमरा भी पवन मेहर है, और ये बिहाइंड द कैमरा हमारे थे पवन सिंह मेहर। तो दोस्तों कैसा लगा लक्ष्मी विला पैलेस का? अच्छा था, मजा आया। इनके साथ मेरा पहला टूर था मेरे दोस्तों के साथ, आई होप आपको भी बहुत। तो दोस्तों कैसा लगा आपको लक्ष्मी पैलेस देख के? काफ़ी अच्छा था, बहुत पुराना था और इसके अंदर जो थी काफ़ी फैसिलिटीज और इंटीरियर और उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी थी, और आई होप आपने भी बहुत इन्जॉय लिया होगा इस वीडियो का। और अगर आपको जगह अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों, और शेयर करना। तब तक ले बाय।